हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं इंटरलॉक मशीन की सेटिंग कैसे करते हैं और इसका निडिल का प्रॉब्लम होता है या लूपर का प्रॉब्लम होता है इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इस मशीन में मेनली आपका ये जो दो लूपर देख रहे हैं ये अंदर की ओर चल रहा है, इसको आप बैलेंस कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, यही मेन होता है इंटरलॉक में। बाकी होने का तो पूरा मशीन मेन होता है, पर नॉर्मली इसी का अगर सेटिंग आपका अगर सही नहीं होता है तो आपका सिलाई जो है प्रॉपर पकड़ता नहीं है और सिलाई छोड़ भी देता है। अभी तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका लूपर है, इस लूपर को इसके ठीक पीछे होना चाहिए तो ये इसके आगे आ गया है। इसको भी एडजस्ट करेंगे, साथ ही साथ आप मिडिल देखिए, हल्का काफ़ी बैंड हो रहा है, देखिए टेढ़ा हो चुका है, इसको भी एडजस्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका निडिल चेंज करेंगे, क्योंकि निडिल इसका बैंड हो चुका है। ये न्यू निडिल है, इसको लगा के इसमें सेट करेंगे मशीन को। ये नट को हम खोलते हैं, छोटी सी नट है। ये निडिल हमारा, देखिए निडिल हमारा नीचे की ओर ऐसे यूँ नीचे आ जाता है। जब भी इंटरलॉक का आप लूपर सेट करेंगे, सबसे पहले निडिल को लगाते हैं, निडिल को देखते हैं कि वो कहाँ पे नीचे की ओर प्लेट में आ रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए निडिल, देखिए प्लेट के हल्का साइड में आ रहा है, तो इसको पहले हम सीधा कर लेंगे। निडिल हल्का रॉड बैंड है या जो भी है उसको पहले एडजस्ट करेंगे, सीधा कर लेंगे। ये हम इधर से इस प्रकार से मारेंगे थोड़ी की मदद से, देख सकते हैं आप इस प्रकार से मारेंगे तो वो हमारा निडिल उधर की ओर चला जाएगा इस प्रकार। यस, प्लेट को स्क्रू को लगा लेते हैं, इससे हमें ज़्यादा अच्छा से अनुमान लग पाएगा कि किस प्रकार से निडिल को किस जगह पे सेट करना है। अभी भी देख सकते हैं आप हल्का साइड पे गिर रहा है, इसको बीच में लाना है कैसे भी। इस प्रकार से रॉड पर रखेंगे, ऐसे मारेंगे। देखिए अभी हमारा बिल्कुल बीचों बीच गिर रहा है, ना तो ज़्यादा लेफ्ट गिर रहा है ना तो ज़्यादा राइट गिर रहा है। देखिए निडिल आपका इधर भी गैप है, इधर भी गैप है, क्योंकि अगर किसी भी साइड निडिल अगर ज़्यादा रहेगा तो आपस में एक दूसरे से रगड़ खा के धागा भी काट लेगा, साथ ही साथ कभी निडिल भी टूट सकता है। अब दूसरा सेटिंग हमारा दांत का, न्यू मशीन बट इसका कोई लग रहा है एडजस्टिंग कभी सही से हुआ ही नहीं। देखिए ये आप दांत में देख सकते हैं, आगे की ओर भी बहुत कम गैप है। ये अंदर वाला दांत जो छोटा छोटा दो दांती होती है अंदर की, तो
उसमें भी देखिए काफ़ी कम गैप है। ये देखिए ये अंदर का जो दो गैप है वो तो आगे की ओर ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसा सेट करना है कि बीचों बीच आगे भी गैप होना चाहिए, पीछे भी गैप होना चाहिए। इसको पीछे करने के लिए, दांत को आगे पीछे एडजस्ट करने के लिए, ये पीछे साइड में यहाँ पुर्जा होता है, देखिए यह वाला पीछे साइड में पुर्जा होता है, यह वाला उठा के दिखाते हैं आपको। देखिए ये पुर्जा होता है, ये पूरा जुड़ा हुआ है दांत से, जो कि दांत को आगे पीछे से चलाता है। तो ये जो हमारा नट है ऊपर वाला नहीं, ठीक ये जो नट है इसको पकड़ के हम थोड़ा दांत को पीछे की ओर कर देंगे। इसको पहले लूज करेंगे हल्का, दांत को हमें पीछे करना है ना, ये दांत है आगे की ओर देखिए प्लेट में लग रहा है, इसको पीछे करना है। पीछे करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर को इस जगह पर फंसाएंगे इस प्रकार से, और इसे पीछे की ओर ऐसे कर देंगे। देखिए दांत हमारा, मैं पहले आपको दिखाता हूँ फिर उसको टाइट करूँगा। देखिए ये दांत पहले आगे की ओर, काफ़ी आगे की ओर यहाँ पे सेट रहता है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे कितना गैप हो चुका है, अरे ज़्यादा हो गया, इसको कम करना है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। अंदर क्या करें, ये ठीक है, ये मीडियम इतना सही है। और अभी दांत का ये देख रहे हैं कि सब गोली भी आपका ढीला है, ये जो गोली हम लोग चाल को सेट करते हैं इसका भी सेटिंग कुछ है ही नहीं, ये तो पूरा लूज है। ऐसा लूज नहीं होना चाहिए, आपका ये सिलाई बड़ा छोटा करने का दिया होता है, चाल बोलते हैं इसको, चाल। इसको पहले फिक्स करेंगे एक जगह पे, तभी पता चल पाएगा कि कितना सिलाई बड़ा है या छोटा करना है। ये ऐसे टाइट कर दिए, अब पता चलेगा इसका सिलाई कितना बड़ा है। देखिए अब जो है बिल्कुल चाल चल रहा है इसका, सिलाई का टॉप आगे पीछे हो रहा है। अब इसको सेट करेंगे आगे पीछे को, कितना हम आगे रखना है दांत को, कितना हमें पीछे तक जाना चाहिए, थोड़ा सा और आगे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ना तो आगे कभी इसमें टकराएगा ना तो पीछे जाके कभी टकराएगा, कल कोई भी नट अगर लूज भी हो जाता है तो आगे पीछे टकराता नहीं है। इसलिए हम लोग दांत का आगे और पीछे प्लेट में कहीं भी लगना नहीं चाहिए, इसके हिसाब से हम लोग आगे पीछे के एडजस्ट करते हैं। ये देखिए दांत की सेटिंग हो गई है, अब ये आपके लेवल पर आ जाने के बाद आप इसको फुल टाइट कर दीजिए। इस नट से दांत का आगे पीछे का अलाइनमेंट सेट होता है, और इस चाल की इस नट से आप सिलाई का बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसमें देखिए काफ़ी लंबा स्लॉट कटा होता है, देखिए ये काफ़ी लंबा स्लॉट कटा होता है, ऊपर नीचे करके आप अपना सिलाई को बड़ा छोटा कर सकते हैं एडजस्ट। नॉर्मल सिलाई मशीन में तो यहाँ पे दिया होता है नट के मदद से करने का, बट इसमें थोड़ा अलग होता है बड़ा छोटा करने। देखिए हमारा दांत भी एडजस्ट हो चुका है, आगे पीछे जितना प्रॉपर चलना चाहिए चल रहा है, निडल का भी एडजस्टमेंट हो चुका है। अब हम सेटिंग करेंगे लूपर की, तो लूपर को सेट करने के लिए वापस हम इन दोनों प्लेट के स्क्रू को खोलेंगे। मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ये सेटिंग दिखाने के लिए मैंने क्या इसका दांता पहले निकाल लिया है। आप सोचेंगे कि यहाँ पे दांत गायब हो गया अपने आप, देखिए दांत जो यहाँ पे था वो आपको दिख नहीं पाएगा, इसके वजह से हमने दांता ही निकाल लिया, अलग अलग कर लिया है। अब देखिए सामने से इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये हमारा निडिल है, और ये देखिए कितना पीछे ये हमारा लूपर है, लूपर का पॉइंट है। देखिए ये निडिल है, ये लूपर है,
ये एक दूसरे से देखिए काफ़ी इतना गैप में अंदर और बाहर है। अगर इतना गैप रहेगा तो कहाँ से नीडल का जो थ्रेड है ये लूपर पकड़ पाएगा। एक तो आपका साइड से मैंने दिखाया, आप फ्रंट साइड से देखें, ये लूपर का होल है, लूपर का पॉइंट है, ये देखिए ठीक इसके होल के नीचे से गुजर रहे हैं। तो कहाँ से टाइमिंग इसका सही है, एकदम टाइमिंग ही पूरा घूम चुका है। इसको आप एडजस्ट कैसे करते हैं वो आप देखिए। आप देख सकते हैं ये जो लूपर है इसके ठीक पुर्जे में एक नट होता है दिया हुआ, इसकी मदद से हम लूपर को इधर आगे और पीछे की ओर दबा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। इसके लिए हम ये छोटा सा जो स्क्रू दिया हुआ है इसमें इसको हल्का ढीला करेंगे। हमने इसको पहले लूज कर लिया और जो नीडल और लूपर में एक दूसरे से जो इतना गैप बन रहा है उस गैप को कम करेंगे, इस प्रकार से आगे की ओर ले आएंगे। स्क्रू ड्राइवर को पीछे की ओर फंसाएं और इस प्रकार से लूपर को नीडल के ठीक सामने लेकर के आ रहे हैं। अभी भी देखिए हल्का गैप है, हल्का गैप बन रहा है, गैप भी नहीं होना चाहिए, हल्का भी गैप नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया गैप कम करने के लिए कि अगर नीडल और लूपर में गैप होता है तो उसको कैसे कम करते हैं। अभी मैंने एक ही लूपर लगाया है, उसके बाद इसको जब हम सेट कर लेंगे तो ये जो हमारा दूसरा लूपर है उसके बाद इसको लगाएंगे, ठीक है। इसको बड़ा लूपर बोलते हैं, उसको छोटा लूपर बोलते हैं। और नीडल का रड का एडजस्ट करने के बाद, नीडल को सेट करने के बाद सबसे फर्स्ट इसको लगाना होता है, उसके बाद फिर इसको लगा के एडजस्ट करना होता है और फिर दांत लगा के सेटिंग करके मशीन को रेडी करते हैं हम लोग। तो ये हमारा जब तक सही नहीं होगा तब तक हम दूसरा लूपर नहीं लगा पाते, इसके वजह से हम पहले इस लूपर का आपको सेटिंग बता रहे हैं। तो ये हमारा नीडल उसके ठीक नीचे से गुजर रहा है, ये बगल से ही गुजर रहा है, ठीक है। अभी हल्का गैप है और गैप को कम करेंगे थोड़ा। ऐसा करना है कि लूपर एक दूसरे से रगड़ा करके सुई टूटना नहीं चाहिए ना ही धागा कटना चाहिए। इस प्रकार से हमने बहुत ही क्लोज ला लिया एक दूसरे को, एक दूसरे को। अब वापस जो नट को हमने लूज किया था लूपर का, इसको हम वापस टाइट कर देंगे इस प्रकार से, ताकि ये लूपर हमारा वापस से आगे पीछे घूम ना जाए। एक तो हमारा साइड का सेटिंग हो गया, जो गैप था वो गैप हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा प्रॉब्लम था इसमें कि देखिए ये नीडल हमारा नीचे जा रहा है, वापस लूपर पीछे आ रहा है, उसके बाद देखिए ये नीडल आपका बहुत ही ज़्यादा ऊपर की ओर बढ़ जा रहा है, क्योंकि होल इस होल में आपका धागा लगा रहेगा, इस होल में थ्रेड लगा रहेगा, थ्रेड तो आपका ऊपर है और आपका लूपर जो है नीचे से आ रहा है, तो पकड़ेगा किसको, धागा को तो पकड़ ही नहीं पाएगा। इसमें हमें पता चल रहा है कि नीडल रॉड जो हमारा थोड़ा ऊपर की ओर है, तो नीडल रॉड के इस लिंक में आप देख सकते हैं इसका ये लिंक सेट है, इसमें हम एक छोटा सा स्क्रू है इसको लूज करके नीडल रॉड को थोड़ा हल्का नीचे कर देंगे इस प्रकार से। ये अब हमारा लूपर पीछे की ओर गया, नीडल लूपर की ओर आ रहा है, ये लूपर ठीक होल के ऊपर से इस प्रकार से पास हो रहा है इस प्रकार से। इसमें बट एक और प्रॉब्लम है अभी फिलहाल, लूपर जो हमारा पीछे जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ही पीछे जा रहा है और वापस फिर आने लग रहा है। तो हल्का सा लूपर को हम पीछे की ओर भी एडजस्ट करेंगे, उसके लिए हम लूपर का चाल बढ़ा देंगे। लूपर का चाल बढ़ाने के लिए ये कनेक्टिंग होती है, छोटी कनेक्टिंग, उससे ठीक नीचे यहाँ पे देखिए रोटर टाइप का गोला लगा होता है जो कि इस नट से जुड़ा हुआ होता है। इसको हम जब अंदर की ओर रखते हैं, इस गोले को अंदर करते हैं,
तो हमारा जो लूपर का पूरा सेटअप है वो ज़्यादा मूव करता है। तो ज़्यादा मूव कराने के लिए हम इस नट को लूज़ करेंगे और अंदर से इस पुर्जे को अंदर की ओर पुश कर देंगे। तो हमारा लूपर जो अभी देखिए हल्का पीछे आ रहा है, नीडल है ये, नीडल आया उससे हल्का एकदम पीछे आ रहा है, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा जितना जाना चाहिए। तो ज़्यादा उसको पीछे की ओर ले जाने के लिए हम उसको या तो हम लूपर ही बैंड कर सकते हैं या, लेकिन बैंड करने से क्या होगा कि फिर पूरा सेटिंग ही आपका अनबैलेंस हो जाएगा। इसके वजह से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस नट को लूज़ करने के लिए 6-7 का पाना का यूज़ करते हैं, इसमें 7 नंबर का पाना यूज़ होता है, देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसको पहले लूज़ करते हैं, तो ऑलरेडी लूज है पता नहीं है, देखिए इसको लूज़ करते हैं। हथौड़ी की मदद से इसको थोड़ा अंदर की ओर पुश करेंगे। और इससे बिल्कुल अंदर जा ही नहीं रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है। और इसको लूज करते हैं, पहले आप देखते हैं देखिए पहले के मुकाबले हमारा थोड़ा लूपर थोड़ा सा ज़्यादा पीछे जा रहा है, थोड़ा सा और जाना चाहिए इसको, थोड़ा सा अगर और जाता ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट इतना भी चलेगा। तो थोड़ा और देखते हैं, काफी है। अब देखिए हमारा लूपर जो है काफी पीछे जा रहा है इस प्रकार से, और ठीक होल के ऊपर से वापस आ भी रहा है ताकि थ्रेड को वो पकड़ सके। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो एक लूपर का सेटिंग पूरा सेट हो चुका है। अब हम बड़े वाले लूपर को लगाएंगे, उसके बाद उसको एडजस्ट करेंगे और उसके बाद फिर दांत भी लगाएंगे, क्योंकि दांत में ये हमारा लूपर उसमें टच नहीं होना चाहिए, और सेकंड जो लूपर बड़ा वाला होता है वो हमारे चाप में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो वापस जो इस नट को हमने लूज किया था उसको वापस से टाइट कर लेते हैं। ये हमारा सेटिंग छोटे लूपर को हो चुका है, अब लगाएंगे बड़े लूपर को। इस लूपर को हम इसमें लगाएंगे, ये जो हमारा लूपर है इस रॉड पे यहाँ पे होल बना हुआ है, इसमें इस प्रकार से यहाँ पे फिट होती है। लूपर को आपको हल्का भी लूज नहीं रखना है, तो देखिए सेकेंड हमारा लूपर हमने लगा लिया है, इसको भी हमें मिलाना है इसके हिसाब से। ये हमारा फर्स्ट लूपर सेट है, अब सेकेंड लूपर देखिए इस प्रकार से चलती है। आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल देते हैं, छोटे लूपर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से
यहाँ से सीधी आई है, बट इसके आगे से देखिए आप, आगे से इस प्रकार से हल्की सी बैंड होकर के आगे सा पॉइंट इस प्रकार से यहाँ पे है। तो ये जो बीच में आप कट देख रहे हैं, यहाँ पे जो बैंड देख रहे हैं, इसी बैंड से हमें इस लूपर के पॉइंट को, ये जो बड़ा लूपर है हमारा, ये जो हमारा बड़ा लूपर है, इस लूपर के पॉइंट को उसी कट से हमें एकदम बिल्कुल करीबी से गुजारना होता है, करीबी से सटा के उसको पास करना होता है। इस प्रकार से किया और ये जो हमारा देखिए जा रहा है, ये जो हमारा जा रहा है, अभी दोनों में काफ़ी गैप है, उस गैप को भी कम करेंगे और साथ ही साथ निडिल और ये लूपर जो है इसको भी सही तरीके से एडजस्ट करेंगे, तभी जाके हमारा मशीन प्रॉपर सही तरीके से सिलाई को बांधेगा और फिर चलेगा। पहले तो गैप है दोनों में, गैप को कम करते हैं। गैप को कम करने के लिए सेम उसी के साथ प्रोसेस है, इसको हल्का हम लोग बैंड कर लेंगे, इसमें नट को खोलेंगे ना, ये हल्का बैंड कर लेंगे इस प्रकार से, ताकि काफ़ी ज़्यादा इधर आ चुका है, पीछे के हम वापस करेंगे। लूपर की क्वालिटी सही नहीं है, बहुत ही कच्चा लूपर है, तुरंत बैंड हो जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा निडल देखिए इस प्रकार से ये नीचे की ओर जाता है, देखिए ये हमारा निडल नीचे की ओर जाता है, और फिर देखिए छोटा लूपर जो है ऐसे पीछे की ओर आता है और वापस जाते हुए नीचे के साइड से इस प्रकार से वापस गुजरता है, और जैसे ही वापस वो वापस जाता है तो बड़ा लूपर आप देख सकते हैं पीछे से और आते हुए उसे ठीक कट के पास से इस प्रकार से पास होना चाहिए। देखिए दोनों के बीच में ना ज़्यादा गैप होना चाहिए और ना तो आपस में एक दूसरे से टकराना चाहिए, और उसके बाद ये एक दूसरे को पास करने के बाद बड़े लूपर का नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसमें जो थ्रेड लगा होता है वो थ्रेड को, ये देखिए निडिल आपके ठीक इसके बीचों बीच इस प्रकार से, लूपर के बीचों बीच से इस प्रकार से धागे को पकड़ लेता है, तो ये एडजस्टिंग होता है। ये हमने साइड से दिखाया, अब आपको फ्रंट से दिखाते हैं। ये फर्स्ट हमारा देखिए नीचे की ओर आता है लूपर, और वापस ये नीचे की, देखिए ये हमारा निडिल नीचे आ रहा है तो लूपर हमारा पीछे की ओर जाता है, देन उसके बाद फिर जब ऊपर आता है तो ये लूपर पीछे से आगे की ओर आता है, ये इसका पॉइंट धागे को पकड़ते हुए आएगा और उसके थ्रेड को बड़ा लूपर इस प्रकार से अंदर की ओर पकड़ लेते हुए एक दूसरे से पहनाते हुए, और उसके बाद निडिल जो है बड़े लूपर के बीच में इस प्रकार से गुजरता है। इस प्रकार से जो इसमें थ्रेड लगा होगा, देखिए इस होल से निकलता है और इस होल से अंदर की ओर चला जाता है, तो इसका जो थ्रेड होगा इसको निडिल पकड़ लेगा, निडिल का जो थ्रेड होगा ये लूपर पकड़ लेगा, और लूपर का जो थ्रेड होगा ये बड़ा लूपर इस प्रकार से पकड़ लेगा, तो
आप समझ सकते हैं कि तीनों धागा मिलके, तीनों लूपर, दो लूपर और एक निडिल मिलके पूरे सिलाई को मैनेज करके चलाता है। अगर हल्का भी इसमें फॉल्ट हो जाएगा तो हमारा जो सिलाई है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसी को बारीकी से हम लोग सेट करते हैं, तो आप देखें किस प्रकार से हम लोग लूपर सेट करते हैं। अब बाकी हम आपको ये वीडियो जो हमारा लूपर और नीडल के ऊपर एडजस्टिंग के लिए ही था, इस वीडियो को अब हम आपको स्किप करके आगे दिखाएंगे और सिलाई करके आपको लास्ट में दिखाएंगे। अब बाकी हम इसको एडजस्ट करते हैं इस प्रकार से। ये हमारा एडजस्टिंग बिल्कुल सही हो चुका है। थोड़ा सा नीडल ऊपर या नीचे आएगा वो हम जब धागे को लगाएंगे तो हल्का फुल्का सेट कर लेंगे। थोड़ा सा चाल फास्ट करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। हमारा मेन मोटिव था कि लूपर वो कैसे सेट करते हैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे सके इस प्रकार से। देख सकते हैं इसका सिलाई बिल्कुल ही परफेक्ट बैठा है और जैसा घेरा बनना चाहिए वैसा घेरा बन रहा है। लॉक जहाँ होना चाहिए वहीं पे लॉक हो रहा है। इस प्रकार से आप अपने भी मशीन में थ्रेड लगा करके खुद से ही चला सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं।